तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ पावर बीआई के बारे में। और पावर बीआई जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो विंडो दिख रहा है वो आपके सामने दिख रहा है। हालांकि इसमें मैंने लॉगिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लॉगिंग कर रखा है। अगर आप लॉगिंग नहीं करोगे तो लॉगिंग का ऑप्शन आएगा। तो सबसे जो वेलकम विंडो आता है वो आपको देखिए क्या है। तो वेलकम विंडो में यहाँ पर गेट डेटा और आपके रिसेंटली ओपन की गई रिपोर्ट्स आती है। दूसरा यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोज आपको दिख रहे हैं जो कि पावर बीआई ने प्रोवाइड किए हैं कि कैसे पावर बीआई यूज किया। तो एक तरह से हेल्प एंड सपोर्ट की बात करें वो आप दिखेंगे यहाँ पे। व्यू ऑल वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज पावर बीआई के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है वो दिख जाएगी। उसके अलावा व्हाट्स न्यू, जो इसमें अपडेट्स होते हैं क्या क्या नया आया है वो आ जाएगा। एक्सेल की फोरम साइट जहाँ पर अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसकी पावर बी आई की ब्लॉक्स एंड पावर की ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। ये आपका वेलकम विंडो में आएगा। ये जब भी पावर बी आई ओपन करेंगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। और यहाँ आपके सामने जो विंडो दिख रहा है उस विंडो के बारे में एक बार समझ लेते हैं क्या है। ये जो विंडो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कैनवेस, या इसको रिपोर्ट व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेज होते हैं, जैसे एक्सेल में शीट्स होते हैं ऐसे यहाँ पे पेजेज होते हैं। और प्लस के साइन पे आप क्लिक करके कई सारे पेजेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपके तीन व्यू है, पहला आपका रिपोर्ट व्यू है, दूसरा आपका डेटा व्यू है, तीसरा आपका मॉडल व्यू है। और ये आपके विजुलाइजेशंस है कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, वो चार्ट्स यहाँ पे आपको यहाँ से शो होगा, क्लिक कीजिए दिख जाएगा। और चार्ट्स की जो फॉर्मेटिंग्स है वो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ दिखेगी। हर चार्ट की अपनी फॉर्मेटिंग और वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे कि पिवट टेबल में आपका होता है ना कि रो में रखना है, कॉलम में रखना है। तो ये फील्ड, जो फील्ड आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से फील्ड उठ के वहाँ पर जाता है और यहाँ पर आपके रिपोर्ट्स के फिल्टर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरत है कि हम एक डेटा इसमें लोड करें। तो हम यहाँ एक्सेल से करना है तो पहले विंडो यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं और एक्सेल की कोई फाइल इसमें लोड करते हैं। जब भी कोई फाइल लोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा एज ए डेटा होना चाहिए, एज ए रिपोर्ट नहीं। डेटा का मतलब है कि पहले नंबर से उसका पहले रो से स्टार्ट होना चाहिए वगैरह। तो डेटा मतलब रॉ डेटा होना चाहिए। जी हाँ। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा, डेटा किस तरह का है, ठीक है। और जिस सीट पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे लोड जो है एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैंने इसके चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया। एक साथ कई सारे सीट्स को भी आप ला सकते हैं। तो लोड पे क्लिक किया तो डेटा लोड हो। अब देखिए डेटा लोड होते ही यहाँ फील्ड्स वाला जो है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे पिवट टेबल में फील्ड्स होते हैं ऐसे यहाँ भी आपके फील्ड्स, देखा फील्ड्स एक्टिवेट हो गया। और इस डेटा में जितने भी फील्ड्स होंगे उस फील्ड्स का लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है एक्सेल की अपेक्षा। एक्सेल में होता है खटाखट काम हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो एकदम फास्ट होता है। जी मेरे लैपटॉप पे तो एकदम फास्ट हो रहा है, मतलब हाँ, डेटा लोड वगैरह किया आपने कि नहीं? हाँ, अभी आप जैसा बोल रहे हो वैसा मैंने एक लोड किया है, हो गया है। उसके बाद यहाँ आपके सामने आपके फील्ड में आपके फाइल में जितने भी कॉलम्स थे वो कॉलम्स यहाँ पिवट टेबल की तरह आपको दिख गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कॉलम को समझ लीजिए, समझे, जिसमें कुछ नहीं लगा, देख रहे कुछ ब्लैंक है, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट है। जिसमें सम ऑफ का साइन लगा हुआ है और नंबर्स है, मतलब कि उस कॉलम में नंबर डला हुआ है। जिसमें कैलेंडर का लगा टाइम लगा होगा वो क्या होगा, वो डेट का, डेट एंड टाइम होगा, ठीक है। और जिसमें कैलकुलेशन मतलब कि कैलकुलेट का होता है ना ऑप्शंस, कैलकुलेटर का ऑप्शन आया होता है कि वो फॉर्मूला वाला फील्ड है। तो आपको आप रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको जस्ट जो है यहाँ से अपना विजुलाइजेशन चूज करना है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा, विजुलाइजेशन की साइज को अरेंज कर लीजिए या बाद में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फील्ड रखें, जैसे कि आप यहाँ नेम को रखें
और मैंने क्वांटिटी को रखा। नेम एंड क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ देखिए आपका विजुलाइजेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब जैसे कि सम है, आप एवरेज वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए और एक्सिस में लेजेंड हो गया, यहाँ पे आपका क्वांटिटी हो गया, ये इससे अलग अलग टूल्स है यहाँ पे। तो क्वांटिटी वैल्यूज में क्वांटिटी रखा है, तो सम है, मैं इसको एवरेज कर दूंगा तो ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी फॉर्मेटिंग्स है, इसके एनालिटिक्स है, इसके बारे पे आगे डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे फिल्टर, जैसे फिल्टर में मैं चाहता हूँ कि एक एरिया हमने ले लिया हुआ है, तो एरिया को मैंने यहाँ पे रखा एड फील्ड हेयर, दिख रहा है ना आपको, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नॉर्थ का रिपोर्ट हमारा दिखना चाहिए। अब यहाँ देखिए सिर्फ नॉर्थ का रिपोर्ट दिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो इस तरह के फिल्टर का यूज होता है, कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर। तो और एक रिपोर्ट तैयार हो जाए। अब इसमें जरूरी नहीं कि एक ही विजुलाइजेशन, इसमें कई सारे विजुलाइजेशन यूज कर सकते हो आप। एक और विजुलाइजेशन ले लीजिए, उसको अरेंज कर लीजिए। विजुलाइजेशन मतलब चार्ट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपके चार्ट्स हैं, यहाँ पे मैप्स हैं, उसके बाद स्लाइसर्स हैं, टेबल्स हैं, और भी नई तरह के मैप को आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको डेटा को देखना है कि डेटा कैसा हुआ है, डेटा क्या है, तो आप यहाँ डेटा मॉडल में जाएंगे, तो ये आपके सारा डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कोई कॉलम आपको नहीं रखना है तो आप उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम, जैसे कि कोई मान लीजिए आईडी जो है वो आपका नंबर में आ गया लेकिन टेक्स्ट होना चाहिए था, तो आप इसको डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं कि मेरा डेटा टाइप इस तरह का होना चाहिए। आप देखिए यहाँ आईडी से सम ऑफ का साइन हट जाएगा, हट गया क्योंकि टेक्स्ट हो गया। कोई और कॉलम ऐड करके कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि आगे क्लास में सिखाएंगे। और जो डेटा मॉडल वाला फील्ड है वो कब यूज होता है, जब हमारे पास कई सारे डेटा ऐड कर लेते हैं, उनके बीच में हमें रिलेशंस क्रिएट करने होते हैं, रिलेशंस को चेक करना होता है, तो इसका यूज हम करते हैं। जब रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाती है तो हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं ताकि ये रिपोर्ट हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे चला जाए। लेकिन पब्लिश पे क्लिक करने से पहले आपका लॉगिन होना चाहिए। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है अपने आईडी को, तो फिर पब्लिश होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, अब बात करते हैं आगे सीखने से पहले हम चाहते हैं अवेयरनेस, मतलब कि कुछ डेटा को ऐड करके कुछ इस तरह की विजुलाइजेशंस को आप बनाएं, और उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? यस सर। तो पहले पहले क्या होता है, अवेयरनेस होता है, क्योंकि एक्सेल वगैरह तो आप यूज करते थे तो उसके बारे में आइडिया था, तो आपको मैंने डायरेक्ट सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन पावर बी आई नई चीज़ है, इसको इससे पहले आपने कभी यूज किया नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ी सी इसको आप छेड़छाड़ करके देखें।